और सहकारिता मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। गृह मंत्री और साथ में सहकारिता मंत्री का प्रभार संभालने वाले अमित शाह कुछ बोल रहे हैं। डेटा बैंक जिसके माध्यम से हमें वैक्यूम कहाँ है वो मालूम पड़ेगा। अगर कोई चलती हुई सहकारिता प्रॉब्लम में आ गई है तो उसको मदद करने की बात भी कि भाई अरे इस पैक्स का ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं हुआ है, वह देखो जरा क्या है। तो ऑनलाइन पूरे देश को एक डेटाबेस उपलब्ध हो, इस प्रकार का कोऑपरेटिव का डेटाबेस हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें भी आपका सहयोग चाहिए क्योंकि डेटा तो अंततोगत्वा राज्यों से आएगा और ये डेटाबेस का एक्सेस हम डिस्ट्रिक्ट तक, डिस्ट्रिक्ट के यूनियन तक देना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक तक देना चाहते हैं। तो फिर इसको सहकारिता क्षेत्र को एक्सपांड करने में और जहां कमी है वो कमी को पूरा करने में ये डेटाबेस काम में आएगा। मित्रों, बीज के उत्पादन में भी हम एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बीज उत्पादन की कोऑपरेटिव बनाने जा रहे हैं जो R&D भी करेगी, बीज की नस्लों को संवर्धित और संरक्षित रखेगी और नई नस्लें भी बनाएगी जो ज्यादा उत्पादन दे पाएगी। तो हम इसके लिए 4-5 बड़े कोऑपरेटिव्स को मिलाकर एक राष्ट्रीय स्तर पर हम बीज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और हमारे पुराने बीज है उनको संरक्षित और संवर्धित करने के लिए एक कोऑपरेटिव, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाने के लिए जा रहे हैं। आज देश में प्रधानमंत्री जी ने किसानों को आह्वान किया है कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ा दे। प्राकृतिक खेती आज समय की जरूरियात हो गई है और किसान की आय बढ़ाने में प्राकृतिक खेती एक बहुत बड़ा हथियार भी बन सकती है। दुनिया भर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मांग है मगर हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था नहीं है। ये प्रोडक्ट जो प्राकृतिक ऑर्गेनिक के नाम से बिक रहा है वो ऑर्गेनिक है या नहीं है इसकी विश्वसनीय सर्टिफिकेशन की व्यवस्था नहीं है। इसके मार्केटिंग भी की भी व्यवस्था नहीं है, इसकी एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था नहीं है। तो अमूल के नेतृत्व में हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करने का और उसके मार्केटिंग करने की एक कोऑपरेटिव बनाने जा रहे हैं जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव होंगी जिसमें सब स्टेट को हम जोड़ेंगे। तो आपके राज्य का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाला किसान अपनी मिट्टी का परीक्षण करा लेगा।